उस लाइन के बहुत सारे टेक्स हो गए, तो कविता कृष्णमूर्ति जी वेट कर रही थी अपनी टर्न का, तो रफ़ी साहब ने जब 8 बार 9 बार जब वो टेक हो गया तो कविता जी से उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफ़ी मांगी, इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद भी, जबकि कविता जी तो न्यू कमर थी उनके सामने। नीरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लेक्चर लेके आया हूँ, 10 लर्निंग्स फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के चहीते, हम सभी के मैं कहूँगा फरिश्ते, जिनको आज भी हम याद करते हैं उनकी गायकी की वजह से ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से भी। उनका जो पर्सोना था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी, उनकी जो प्रेजेंस थी सारे म्यूजिशियंस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने परिवार के साथ, तो मैंने उन सारी बातों को, जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे, जितनी भी बातें मैंने सुनी, जितनी भी बातें मैंने उनको देखकर ऑनलाइन माध्यम से मैंने अनुभव की, वो मैं आज आपके समक्ष रखूँगा। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपके मन में रहे, क्योंकि रफ़ी साहब को एक कुछ ही लेक्चर्स में समेटना ये संभव नहीं है। पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं उनकी तारीफ़ करता रहूं, उनके बारे में बताता रहूं, तो भी कम रहेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो हम रफ़ी साहब से सीखते हैं, ऑलवेज स्टे डाउन टू अर्थ। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि रफ़ी साहब जितने महान सिंगर थे उतने महान वो इंसान भी थे, और आप उनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखते हैं, चाहे आप अवार्ड शोज देखते हैं, चाहे आप उनकी प्रेजेंटेशंस आपने देखी होंगी यूट्यूब पर, आप देखते हैं कि हमेशा डाउन टू अर्थ, हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। और उनके इकलौते स्टूडेंट जो कि महेंद्र कपूर साहब थे, उन्होंने हमेशा कहा कि हमेशा आंखें नीची रखना, ये रफ़ी साहब से उनको सीखने को मिला। तो आप देखेंगे किसी भी विवाद में वो पड़ते नहीं थे, एक्सेप्शन आप जानते ही है वो जब रॉयल्टी वाला इशू हुआ था, उसके अलावा कोई भी विवाद रफ़ी साहब के पर्सनैलिटी के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो ये उनकी महानता को दर्शाता है। और जितने बड़े वो सिंगर थे उतने ही डाउन टू अर्थ वो पर्सनैलिटी भी थे। इससे हमें ये चीज़ का ज्ञान मिलता है दोस्तों कि चाहे सफलता हमें कितनी भी मिल जाए, लेकिन हमारे पांव हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सक्सेस, ही ऑलवेज स्टेड डाउन टू अर्थ। और ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए, चाहे जीवन के किसी भी मुकाम पर हम पहुँच जाएँ, लेकिन सफलता हमारे दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। सफलता मिली उसको एक कबर्ड में पैक करके रख दीजिए, आगे का सोचना चाहिए और हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये चीज़ हमने रफ़ी साहब से सीखी। फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ऑलवेज गिव अप ईगो। जी हाँ, रफ़ी साहब के इंटरव्यू से हमें ये पता चलता है कि उनमें ज़ीरो ईगो था, उनमें कुछ भी ईगो नहीं था। इनफैक्ट महेंद्र कपूर साहब कहते हैं कि 3 बातें जो उनको सीखने को मिली महेंद्र कपूर साहब को, उसमें एक बात यही की कही उन्होंने कि कभी भी अपना अहंकार सिद्ध मत करना। मतलब पहली जो मैंने बात बताई, आंखें नीची होनी चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना, है ना, अहंकार अपना कभी भी सिद्ध नहीं करना। आजकल के हम सिंगर्स देखते हैं, 1-2 गाने रिलीज़ हुए और इतना एटीट्यूड आ जाता है, गलत संगति में पड़ जाते हैं, ईगो इतना आ जाता है कि सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है। चाहे स्वरों का ज्ञान हो चाहे ना हो, चाहे कुछ बेसिक्स चीज़ें संगीत की पता हो चाहे ना हो, लेकिन टेक्निक के भरोसे सक्सेस मिलती है और उस कारण से ईगो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो हमें रफ़ी साहब से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि ऑलवेज गिव अप ईगो। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं जो हमें रफ़ी साहब की पर्सनैलिटी से हमें सीखने को मिलती है, वो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। जी हाँ, रफ़ी साहब जहां भी गए हैं, जिनसे भी उनका मिलना हुआ है, ऐसे लक्ष्मीकांत जी के इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, मैंने उनके जो कलीग्स थे, जो म्यूजिशियंस थे, उनके कई मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो बताते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वो ही एकदम स्पिरिचुअल हो जाता था। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, किसी ने उनका हाथ देखा तो बोलते हैं अगर ये सिंगर नहीं होते तो ये संत होते। तो मतलब ऐसी वाइब्रेशंस थी उनकी। सो वेयर एवर ही यूज़ टू गो, वहाँ का वातावरण चेंज हो जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर था। और हम सब जानते हैं
कि रफ़ी साहब इंस्पायर करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को कि अपना कैरेक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, गलत संगति में कभी भी ना पड़िए। तो ये वाली चीज़ हमें बहुत सीखने को मिलती है। पहली चीज़ ये कि हमेशा आंखें झुकी रहें, किसी के सामने उठे नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमेशा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, अपना अहम नहीं बताना। तीसरा, करेक्टर पे बहुत जोर देते थे, कहते थे हमेशा करेक्टर अच्छा रखना, गलत सोहबत में नहीं जाना, तो तुमको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि संगीत ऐसी कला है जहाँ पर बहुत से लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए डाइवर्जेंस के इतने सारे सोर्स हैं जिससे उनका जो कैरेक्टर है उस पर लालचन लग जाता है, स्पेशली प्रेजेंट सिनेरियो में। लेकिन रफ़ी साहब एक बेदाग कैरेक्टर थे और जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, गायकी की तो क्या ही बात करें, लेकिन उनके जैसा इंसान अगर हम बन पाए तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफल हो जाता है। चौथी चीज़ जो हमें रफ़ी साहब से सीखने को मिलती है वो है ट्रस्टशिप, मतलब अपने आप को हमेशा ट्रस्टी समझना। आप देखिए रफ़ी साहब की स्टूडियो के बाद जब भी कोई तारीफ करता था, रफ़ी साहब वाह क्या गाया आपने, तो रफ़ी साहब हमेशा कान पर हाथ रखते थे, ऊपर की ओर इशारा करते थे कि करवाने वाला करवा रहा है। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप इतने उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। जी, जी। ये तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है, वो कुछ गॉड गिफ्ट है बस ऐसे। बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ। मैं निमित्त हूँ, मतलब हमेशा निमित्त भाव रखना। करवाने वाला करवा रहा है मतलब रचना हम किसकी हैं, उस रचनागर की है ना। तो करण करावन हार वो है, करवाने वाला वो है, हम तो सिर्फ कर रहे हैं, करवाने वाला वो है। ये चीज़ को वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे, तभी देखिए इतना पीक पे उनका करियर था। स्पेशली अगर मैं बात करूँ 50s 60s की, तो आप देखेंगे रफ़ी साहब के पास इतना सारा काम था और हर चीज़ को बैलेंस करके चलते थे, लेकिन हमेशा अपने आप को ट्रस्टी समझ के उन्होंने अपनी संगीत में यात्रा को आगे बढ़ाया और समय के साथ साथ चेंज होते रहे। मेन चीज़ तो हमें ये सीखने को मिलती है, उसका कारण यही था कि सब कुछ ऊपर वाले को वो समर्पित करते थे, सिर्फ कर्म से नहीं मन और बुद्धि से भी। ये बहुत ज़रूरी है, अपना मन और बुद्धि समर्पित भाव करके कला को प्रदर्शित करना, तो वो हमेशा सफलता दिलाता है, ऐसा मैंने भी अनुभव किया दोस्तों। सो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है ट्रस्टशिप, मतलब अपने आप को हमेशा ट्रस्टी समझना, क्योंकि गुण शक्तियाँ जो अच्छे जो टैलेंट हैं ये सारा ऊपर वाले की देन है, कराने वाला वो है, हमको बस उसके डायरेक्शन पे चलना है। यही रफ़ी साहब मानते थे और यही उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी भर। फिफ्थ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑलवेज अ गिवर। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए आपने, अगर आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं तो आप जानते हैं ड्राइवर के साथ खाना खाना। अपने हम पेशा सिंगर किशोर कुमार पर जब बैन लगा था तो उनको सपोर्ट करना, जब वॉर चल रहा था बहुत, जब पॉलिटिकल इम्बैलेंस था तो देशभक्ति गीत गाना, अपने मेहमानों का सम्मान करना, ये चीज़ें हमें रफ़ी साहब से बहुत सीखने को मिलती हैं। दैट ऑलवेज अ गिवर, हमेशा देने का भाव, और जो देता है वो हमेशा लेता है क्योंकि ऊपर वाला हमेशा देखता है। तो रफ़ी साहब ने हमेशा देने का भाव रखा और निस्वार्थ भाव से देने का भाव रखा। आप देखिए उनके ड्राइवर जो हमें जो चीज़ें उनसे सुनने को मिलती हैं कि ही वॉज ऑलवेज अ गिवर है ना। और आप देखिए आजकल के ज़माने में जहाँ पर हम पेशा दुश्मन हमेशा है ना, ये चीज़ आजकल के ज़माने में एप्लीकेबल है, लेकिन रफ़ी साहब जो उनके, आप देखिए जो उनके कॉम्पिटिटर्स भी थे उनको भी वो सहयोग देते थे, उनके लिए भी वो अच्छी भावना रखते थे। मैंने एग्जांपल दिया किशोरदा के इस बैन का,
है ना। तो ये इंसानियत का एक कितना इम्पोर्टेंट पहलू है, दैट ऑलवेज अ गिवर। फिर सिक्स्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस। जी हाँ, देखिए आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही हावी हो गई है संगीत पर, टेक्नोलॉजी ओवरपावर कर रही है संगीत को। बेसुरे भी सुर में आ रहे हैं, जो बेताले हैं वो भी ताल में आ रहे हैं, चाहे सुर का ज्ञान हो चाहे ना हो, ताल का ज्ञान हो चाहे ना हो। लेकिन आप देखेंगे रफ़ी साहब के साथ जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, स्पेशली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन जी, उनसे हमें पता चलता है कि कितना वो रिहर्सल्स करते थे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तभी आप देखिए एक एक टेक में रफ़ी साहब गाना गा जाते थे, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन था रियाज के प्रति और उसके बाद जो कंपोजिशन सीखी है म्यूज़िक डायरेक्टर से उसको प्रैक्टिस करने के प्रति म्यूजिशियंस के साथ, वो बहुत ज़्यादा था। तो गाने में जो हम परफेक्शन देखते हैं उनके, चाहे आप दुनिया के रखवाले देख लीजिए बैजू बावरा से लेके, चाहे आप बात कीजिए क्या हुआ तेरा वादा नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग, उसमें आपको एक ही रस मिलेगा और एक ही आवाज़ की मजबूती दिखेगी। ऑर्नामेंटेशंस का जो प्रयोग है वो एक जैसा ही लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि जिस रात के ख्वाब आए, जो कि आखिरी गीत था नौशाद जी के लिए, उसमें आवाज़ थोड़ी ढीली पड़ गई हो, वो वैसी आवाज़ थी जो मन तड़पत हरि दर्शन में जैसी थी, है ना। सो दिस शोज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रैक्टिस, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिहर्सल्स एंड रियाज विच ही डिड, विच मेड हिम द वॉइस ऑफ गॉड। सेवन्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग एज वेल एज परफॉर्मर। मतलब जितने अच्छे वो प्लेबैक सिंगर थे उतने अच्छे ही वो परफॉर्मर भी थे। दोस्तों आप देखेंगे उनके वेरियस सोशल मीडियाज पर जो रिकॉर्डिंग्स हमें उपलब्ध है, जो गीत हम सुनते हैं उनके, वो जो रिकॉर्डिंग्स और आप उनके वीडियोस देखिए जो परफॉर्म करते हुए शोज के। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आप देखेंगे एक जैसे ही हैं, इनफैक्ट जो हरकतें आती हैं, जो उनका गाने का जो लहजा है वो एक जैसा ही लगता है जो रिकॉर्डिंग के टाइम में था। तो आप देखिए इससे पता चलता है कि वो कितने बैलेंस्ड आर्टिस्ट थे, है ना। सो जितने अच्छे प्लेबैक सिंगर थे उतने अच्छे परफॉर्मर भी थे। मतलब ऐसे नहीं कि जो चीज़ रिकॉर्ड कर दी उससे अलग ही बिल्कुल हमें स्टेज पर सुना रहे हैं, जो कि आजकल सुनने को मिलता है हमें। गाना क्या होता है और उसको क्या प्रेजेंट करते हैं, फ्यूजन से क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन। और आजकल रिमिक्स का तो इतना दौर है कि ओरिजिनल गाना तो भूल जाती है आजकल की जनरेशन और उस रिमिक्स में ही ढिकचिक करती रहती है। देखें तो ये आजकल की जो हालत है उसको सुधारने हेतु मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमें रफ़ी साहब से सीखनी चाहिए कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रेजेंट करें तो उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो चीज़ हमेशा कायम रहती है और वही चीज़ पब्लिक को ज़्यादा अपील करती है। दोस्तों तो आज भी देखिए, चाहे कितने रिमिक्स आ गए हों, चाहे कितने फ्यूजन्स हो गए हों, पुराने गाने तो लोग आज भी सुनते हैं और उसी यादों में खो जाते हैं और ज़िंदगी से अपनी रिलेट कर पाते हैं। ये आजकल के रिमिक्स वाले दौर, 5 मिनट में जैसे मैगी बन जाती, 5 मिनट में गाने बन जाते हैं, वो वाला चीज़ पचती भी नहीं है और ज़्यादा समय चलती भी नहीं है, है ना। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, दैट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन प्लेबैक सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट। 8th पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सिंप्लिसिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रफ़ी साहब का हाथ देखा तो यही पता चला कि अगर वो सिंगर नहीं होते तो वो संत होते, जो उनकी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। आप देखेंगे कि लोग उनसे जब सिग्नेचर मांगने आते थे तो महेंद्र कपूर साहब पास थे तो रफ़ी साहब बोलते थे ए की कहंदे पेन, पंजाबी थे रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर साहब भी पंजाबी थे, तो ए की मांगते पेन की मांगते पेन, तो महेंद्र कपूर जी ने कहा ए थोड़ा सिग्नेचर मांगते पेन, सिग्नेचर ऑटोग्राफ, तो बोले तू ही दे दे, मैनू नहीं आंदा। तो आप देखिए संगीत के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था दुनिया का, बहुत सीधे सादे, उनको कुछ पता नहीं था दुनिया का, बहुत सीधे सादे थे।
तभी तो वो परफेक्शन दिखता है ना दोस्तों। जब दुनिया से ही इंसान न्यारा और प्यारा है तो हम सबका तो वो प्यारा होगा ना। इतना परफेक्शन उस कला में था उनका, क्योंकि वो दुनिया से न्यारे थे और सिग्नेचर तक जैसी चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। आप देखिए, एक सिंप्लिसिटी का सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और हम जानते हैं रफ़ी साहब की जो पर्सनैलिटी है वो एक पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी है, जो कि हमें इंस्पिरेशन के रूप में हम देखते हैं, गायकी के टर्म्स में नहीं, पर्सनैलिटी के भी टर्म्स में। तो मैंने आपको एक ये इनोसेंस सिंप्लिसिटी का आपको ये एग्जांपल दिया सिग्नेचर वाला। तो एट्थ चीज़, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन, है ना। लेकिन इसको कैरी करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, जो कि रफ़ी साहब पर थी। नाइन्थ जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। जी हाँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कविता कृष्णमूर्ति जी के एक इंटरव्यू से। आप जानते होंगे, शायद आपने वो सुना नहीं हो, तो उसमें कविता जी बता रही थी कि रफ़ी साहब एक लाइन बार बार गा रहे थे तो उस लाइन के बहुत सारे टेक्स हो गए। तो कविता कृष्णमूर्ति जी वेट कर रही थी अपनी टर्न का, तो रफ़ी साहब ने जब 8 बार 9 बार जब वो टेक हो गया तो कविता जी से उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफ़ी मांगी। इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद भी, जबकि कविता जी तो न्यू कमर थी, उनके सामने अपना डेब्यू ही कर रही थी, आप देखिए। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कितना ही छोटा हो। अपने ड्राइवर की भी उतनी रिस्पेक्ट करते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूजिशियन से भी उतने प्यार से पेश आते थे। तो इज़्ज़त उन्होंने सबको दी। इनफैक्ट कई हमें ऐसे भी इंस्टेंसेस मिलते हैं जहाँ पे रफ़ी साहब की डिसरिस्पेक्ट हुई, है ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये चीज़ बहुत चीज़ सामने आती है। लेकिन फिर भी अपनी डिग्निटी और इंटेग्रिटी को उन्होंने बरकरार रखा और हमेशा सबको बराबर रिस्पेक्ट दी। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए। फिर 10th पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखिए 100 से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन 10वें पॉइंट से मैं इस लेक्चर को समेटूंगा कि शास्त्रीय संगीत को उन्होंने बेस माना। अब्दुल वाहिद साहब, जीवन लाल मट्टू साहब, फिरोज़ निज़ामी साहब, ऐसे ऐसे उन्होंने गुरु किए थे। और सुनने में आता है, एज़ फर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मी थ्रू वन ऑफ माई स्टूडेंट मिस्टर गिरीश माथुर जी, के सुबह वो शास्त्रीय संगीत का रियाज करते थे। 3 बजे सुबह उठ जाते थे रफ़ी साहब। सिर्फ बैडमिंटन का उन्हें शौक था, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए उन्होंने अलग गुरु रखा था और लाइट सिंगिंग के लिए उन्होंने अलग गुरु रखा था। तो देखिए, मैंने इन 3 महान हस्तियों का नाम लिया, अब्दुल वाहिद साहब, फिरोज़ निज़ामी साहब एंड जीवन लाल मट्टू साहब, ये इनके गुरु थे। और वैसे रफ़ी साहब हमेशा मानते थे कि जितने भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ये भी हमारे गुरु हैं। तो जहाँ से भी वो सीख सके उन्होंने सीखा, लेकिन बेस शास्त्रीय संगीत का रखा। चाहे मधुबन राधिका देख लीजिए, चाहे आप दुनिया के रखवाले दरबारी देख लीजिए, चाहे मन तड़पत हरि दर्शन मालकोस का बेस लीजिए, या फिर कुहू कुहू बोले कोयलिया राग सोहिनी में चलीजिए, रागमाला है वैसे तो ये। आज होन आए बालमा सिंध भैरवी, उसका आप अंदाज़ा देख सकते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जो शास्त्रीयता है वो कितनी थी, और वही बेस बनी सारे फॉर्म्स का। पर रफ़ी साहब के कुछ कुछ गाने हैं, अगर आप सुन लें, आपको लगता है कि आप अगर बैठ के उसकी नोटेशन करो आप नहीं कर सकते हो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, अगर आप वो रोना वर्ड जिस तरह से वो कहते हैं, अगर आप बैठें कि ये निधम है, नहीं हो सकता, निधम नहीं है, वो रफ़ी साहब है। चाहे आप देख लीजिए, ठुमरी अंग भी उन्होंने दिखाया, नाचे मन मोरा में आप देखिए राग भैरवी पर आधारित। तो उन्होंने भक्ति रस भी दिखाया, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, इसमें देखिए भक्ति रस भी दिखाया। तो उन्होंने रोमांस भी दिखाया दीवाना हुआ बादल में। तो ये चीज़ क्या दिखाती है, एक वर्सेटैलिटी, तो जिसका आधार क्या है, शास्त्रीय संगीत। सो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप आपको अच्छे से समझ आया, जिससे हम रफ़ी साहब से इंस्पायर हो सकते हैं और अपनी संगीतमय यात्रा, तो क्या अपनी जीवन की ये सुंदर यात्रा को और भी अलौकिक बना सकते हैं और खुशी की अनुभूति कर सकते हैं और सभी का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आई होप आप ये 10 पॉइंट अपने जीवन में धारण करेंगे। वीडियो को ज़रूर एक बार वापस रिवाइंड करके देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो पाए और इसी प्रकार हम रफ़ी साहब का सम्मान करते रहें। थैंक यू सो मच, ओम शांति। ये तो मत पूछिए, ये तो इतने खिलाफ थे, कभी कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे, इतने खिलाफ थे गाने के, पर फिर आखिर जीत तो संगीत की हुई और मेरी हुई।